राजसमंद की कुमारिया पुलिस के पास एक अनोखा केस आया। दरअसल 11 साल का करण सेन रोता बिलखता कुमारिया थाना पहुंचा और पुलिस वालों से शिकायत करते हुए बताया कि लॉकडाउन के कारण उसके दो तोते उड़कर एक महिला के पास चले गए, उसे तोते वापस चाहिए। इस पर थानाधिकारी पेशावर खान ने हेड कांस्टेबल हरि सिंह और रोशन लाल शर्मा को बच्चे के साथ महिला के घर भेजा। यहां भी अनूठा नजारा देखने को मिला। जब पुलिस और करण महिला के घर पहुंचे तो करण ने अपने तोते राधा कृष्ण को आवाज लगाई, जिस पर दोनों तोते उड़कर उसके कंधों पर आकर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने महिला से समझाइश कर करण को उसके तोते वापस दिलवाए, जिससे करण के चेहरे पर खुशी नजर आई और उसने पुलिसकर्मियों का आभार व्यक्त किया। करण सेन नामक लड़का है, जो 10 साल के करीब इसकी उम्र है। उसने अपने दो तोते पाल रखे हैं काफी समय से, उसको जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। वो तोते लॉकडाउन के टाइम में उड़ के चले गए थे। लॉकडाउन के बाद उसने उसकी तलाश की तो कुंवरिया कस्बे में ही एक महिला के घर में अंगूर की बेल के वहाँ तोते होने की जानकारी है, ये लेने के लिए गया, महिला ने देने से मना कर दिया। फिर ये रोता हुआ थाने में आया तो हमने इसकी वेदना को सुना और इस चीज को समझा। हमारे दो आदमी वहां भेजे, उस महिला के घर के बाहर जाकर के इसने आवाज लगाई राधा कृष्ण, तो दोनों तोते आकर इसके कंधे पे बैठ गए और ये तोते पाकर बड़ा खुश हुआ और तोते इसको आज हमने सिक्योर कर दिए हैं और तोते इसके पास ही रहते हैं और ये तोते